इंडिगो ने 2005 में जब 100 एयरक्राफ्ट की बल्क ऑर्डर एयरबस कंपनी को दिया था तब दुनिया शॉक हो गया था। तब तक ये बल्क ऑर्डर दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन इंडस्ट्री का डील था। फिर से इंडिया ने 2011 में दूसरी बार 180 एयरक्राफ्ट की बल्क ऑर्डर एयरबस कंपनी को दिया था और ये दुनिया की सेकेंड सबसे बड़ी डील था जो इंडिया ने ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन टाटा कंपनी एयर इंडिया को खरीदने के बाद 2023 में एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस कंपनी से लगभग 470 एयरक्राफ्ट खरीदने का डील करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसका कुल लागत 82 बिलियन यानी कि लगभग 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अमेरिका और फ्रांस के प्रेसिडेंट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेचुलेशन कहा और साथ ही में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जी का बधाई दिया। तो आपके माइंड में एक प्रश्न आ सकता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई क्यों दिया जबकि ये दोनों कंपनी फ्रांस और अमेरिका की है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि दोनों कंपनी की इंजन बनाने वाली कंपनी है फ्रांस की कंपनी जिसका नाम है रोल्स रॉयस। ये कंपनी पूरी दुनिया की एयरक्राफ्ट की सिर्फ इंजन बनाती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एयर इंडिया का इस डील के बारे में कहा है कि इस डील से अमेरिका के लगभग 1 मिलियन नई जॉब पैदा होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब अमेरिका से इतना एयरक्राफ्ट खरीदने में उनका 1 मिलियन जॉब क्रिएट होगा तो हमारे भारत में कितना जॉब पैदा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और चलाने के लिए लगभग 150 लोगों की जरूरत पड़ता है। एयर इंडिया का ये डील के बाद भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ा एयरलाइन बनने जा रही है और भारत डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में अभी थर्ड पोजीशन पर है। एयर इंडिया का ये 470 एयरक्राफ्ट खरीदने का डील को देखते हुए इंडिगो भी कहां पीछे रहने वाले हैं। हाल ही में न्यूज ये निकल कर आई है कि इंडिगो ने लगभग 500 जेट बोइंग और एयरबस कंपनी को खरीदने का बात चल रहा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एयर इंडिया और इंडिगो की ये कंपटीशन से आम जनता का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और भारत का एविएशन इंडस्ट्री भी एक नई ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला है। अभी भारत में एयर इंडिया का मार्केट शेयर 9.7% है वहीं इंडिगो का 52% पर है। विस्तारा का मार्केट शेयर भी 9.3% है और विस्तारा भी एयर इंडिया के साथ मर्ज होने वाला है जहां एयर इंडिया अभी नंबर 1 बनने की कोशिश करेगा और इंडिगो कंपनी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है, वो भी नंबर 1 पर बने रहने के लिए जरूर कोशिश करेगा। कुल मिलाकर इन दोनों का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आपको सुनकर हैरानी होगा कि अभी फिलहाल भारत में सारे कंपनी का एयरक्राफ्ट मिलकर सिर्फ 700 ही एयरक्राफ्ट है, इसमें से 300 एयरक्राफ्ट सिर्फ इंडिगो कंपनी का ही है। तो चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं एयरबस और बोइंग कंपनी के बारे में। दुनिया के लगभग सारे एयरलाइंस की 99% एयरक्राफ्ट यही दो कंपनी बनाते हैं। ये दोनों कंपनी साल भर में कुल मिलाकर 1000 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कर पाते हैं। ये दोनों कंपनी के पास पूरी दुनिया से 12,259 ऑर्डर अभी पेंडिंग में है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इतना सारा एयरक्राफ्ट डिलीवर करने में और कितना साल तक लग सकता है। चलिए अब एयर इंडिया कंपनी के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1932 में जेआरडी टाटा ने एयर इंडिया कंपनी की शुरुआत किया था। इस टाइम पर एयर इंडिया का नाम था टाटा एयरलाइंस। बाद में 1946 में इसका नाम एयर इंडिया रख दिया गया और 1954 में ये कंपनी पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया गया। तो किस्मत का खेल देखिए, 27 जनवरी 2022 को फिर से टाटा कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एयर इंडिया को सही तरह से नहीं चला पा रहे थे और बार बार हर साल घाटा का सामना करना पड़ रहा था। 2022 को जब टाटा कंपनी एयर इंडिया को खरीदा तब भी इसके ऊपर कुल खर्च 52,000 करोड़ था। एयर इंडिया कंपनी का घाटे का कुछ वजह यह भी है, एयर इंडिया एयरक्राफ्ट के कर्मचारी की सैलरी इंडिगो कंपनी से ज्यादा देता है और कर्मचारी की संख्या भी ज्यादा है। इंडिगो के हर एयरक्राफ्ट में कर्मचारी की संख्या 96 है लेकिन एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट में हर एयरक्राफ्ट की कर्मचारी 221 है। तो इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खर्चा कितना ज्यादा आएगा इन कर्मचारी को सैलरी देने में। रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में एयर इंडिया और इंडिगो दोनों कंपनी लगभग 23.9 रेवेन्यू जनरेट किया था लेकिन इंडिगो का खर्चा था सिर्फ 20,000 करोड़, वहीं एयर इंडिया का खर्चा था 29,000 करोड़। 2021 में एयर इंडिया का कुल इनकम 12,100 करोड़ था लेकिन कुल खर्चा 19,000 करोड़ था। इसी घाटे के चलते फाइनली टाटा एयर इंडिया बेच दिया गया। टाटा कंपनी को इसीलिए इंडिया का बैकबोन भी कहा जाता है और फिर से एयर इंडिया टाटा के हाथ में आते ही धमाल मचाना शुरू कर दिया है। एक चीज बता देता हूँ कि 2006 के बाद एयर इंडिया ने
कोई भी नए एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा। 2006 में एयर इंडिया ने 111 नई एयरक्राफ्ट खरीदा था, इसीलिए इन पुरानी एयरक्राफ्ट में फ्यूल कंजप्शन थोड़ा ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से हो सकता है इस कंपनी के घाटे और ज्यादा ही कुछ हो रहा था। ये दोनों कंपनी का कंपटीशन देखकर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।